कोई हीरा है, कोई पत्थर है ओम शांति। आज है संडे जो हॉलीडे भी है और हम ब्राह्मणों के लिए होली यानी पवित्र बनने का भी दिन है क्योंकि खुद पवित्रता का सागर शिव बाबा ब्रह्मारथ में विराजमान होकर हमें खास अव्यक्तवाणी सुनाने के लिए व्यक्त से अव्यक्त बनाने के लिए हमारे लिए आते हैं कहाँ से आते हैं शांति धाम से कहाँ आते हैं अशांति की दुनिया में सारी दुनिया में हर एक मनुष्य आत्मा में जब अशांति व्यापक रूप धारण कर लेती है हर कर्म में अशांति हर बोल में अशांति हर संकल्प में अशांति आ जाती है तभी तो आजकल मनो रोग बढ़ते जा रहे हैं और अशांति के वश आत्माएं क्रोध घृणा नफरत जोश रोब में आकर अनेक विकर्म करने लगते हैं तब बाबा आकर हम सबकी तपत को इन कर्मेंद्रियों की तपत को और मन बुद्धि संस्कारों की तपत को बुझाकर आत्मा को शांत स्वरूप बना देते हैं हमें हमारे शांति स्वधर्म में टिका देते हैं हमारे पिता और हमारा पता दोनों जो शांति धाम है शांति का सागर है वो बताकर, वैसा बनाकर फिर ले भी जाते हैं तो आज की मुरली हमारे अंदर की इस अशांति को जिसे हम क्रोध का नाम देते हैं हर एक के अंदर है ना, अलग अलग रूपों में है पर है तो क्रोध की अग्नि को कैसे शांत करें कैसे अपने स्वधर्म में टिकें, क्या कारण है इस अशांति का और क्या निवारण है इसको दूर करने का वो सब आज की अव्यक्तवाणी हमें बता रही है तो आज है 16 तारीख 16 जून 2024, अव्यक्त बाप दादा के रिवाइज कोर्स के 3 मार्च सन 2000 के महावाक्य है शुभ भाव और प्रेम भाव को इमर्ज कर क्रोध महाशत्रु पर विजयी बनो आज बाप दादा अपने जन्म के साथियों को साथ साथ सेवा के साथियों को देख हर्षित हो रहे हैं आज आप सभी को भी बाप दादा के अलौकिक जन्म साथ में जन्म साथियों के जन्म दिवस की खुशी है क्यों ऐसा न्यारा और अति प्यारा अलौकिक जन्म और किसी का भी हो नहीं सकता ऐसा कभी भी नहीं सुना होगा कि बाप का जन्मदिन भी वही और बच्चों का भी जन्म दिवस वही क्योंकि वाणी है महाशिवरात्रि की तो शिवरात्रि शिव जयंती हमारा भी जन्मदिन और बाबा का भी जन्मदिन यह न्यारा और प्यारा अलौकिक हीरे तुल्य जन्म आज आप मना रहे हो साथ साथ सभी को यह भी न्यारा और प्यारापन स्मृति में है कि यह अलौकिक जन्म ऐसा विचित्र है जो स्वयं भगवान बाप बच्चों का मना रहे हैं है ना वंडरफुल परम आत्मा बच्चों का श्रेष्ठ आत्माओं का जन्म दिवस मना रहे हैं दुनिया में कहने मात्र कई लोग कहते हैं कि हमको पैदा करने वाला भगवान है परम आत्मा है परंतु न जानते हैं न उसी स्मृति में चलते हैं भले कहते हैं परंतु यथार्थ तो जानते नहीं है ना ही उस स्मृति से चलते हैं आप सभी अनुभव से कहते हो हम परमात्म वंशी हैं ब्रह्मा वंशी है मुख से नहीं कहते अनुभव से कहते हैं परम आत्मा हमारा जन्म दिवस मनाते हैं हम परमात्मा का जन्म दिवस मनाते हैं आज सब तरफ से यहाँ पहुँचे हैं किस लिए शिवरात्रि पर किस लिए पहुंचते हैं बाबा के पास मुबारक देने और मुबारक लेने के लिए तो बाप दादा विशेष अपने जन्म साथियों को मुबारक दे रहे हैं सेवा के साथियों को भी मुबारक दे रहे हैं मुबारक के साथ साथ परम प्रेम के मोती हीरो जवाहरों द्वारा वर्षा कर रहे हैं कभी देखे हैं प्रेम के परम प्रेम के हीरे मोती जवाहर समझो बिल्कुल विजुअलाइज करो बाबा उसकी वर्षा कर रहे हैं प्रेम के मोती देखे हैं ना प्रेम के मोतियों को जानते हो ना फूलों की वर्षा सोने की वर्षा तो सब करते हैं है ना राजा महाराजाएं भी करते हैं लेकिन बाप दादा आप सभी पर कौन सी वर्षा करते हैं परम प्रेम अलौकिक स्नेह के मोतियों की वर्षा कर रहे हैं एक गुणा नहीं पदम 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 गुणा दिल की मुबारक दिल से मुबारक दे रहे हैं तो स्वीकार करो बाबा हम सबको हमारे इस अलौकिक जन्म दिवस की मुबारक दे रहे हैं आप सब भी दिल से मुबारक दे रहे हैं वो भी बाप दादा के पास पहुंच रही हैं तो आज मनाने का और मुबारक का दिन है मनाने के समय क्या करते हो हुँ? क्या करते हैं जब सेलिब्रेशंस करते हैं तो बैंड बजाते हो तो बाप दादा सभी बच्चों के मन के खुशी की बैंड कहो <laughs> बाजे गाजे सुन रहे हैं बाबा तो सुन रहे हैं हम सुन रहे हैं इतनी खुशी है जो ऐसा लगे जैसे अंदर ही बाजे गाजे बैंड बज रहे हैं भक्त लोग पुकारते रहते हैं और आप बच्चे बाप के प्यार में समा जाते हो कितना अंतर है वो पुकार रहे हैं और हम प्यार में समा रहे हैं समा जाना आता है ना, यह समा जाना ही समान बनाता है बाप दादा बच्चों को अपने से अलग नहीं कर सकते बच्चे भी अलग होने चाहते नहीं हैं लेकिन लेकिन क्या कभी कभी माया के खेल खेल में थोड़ा सा किनारा कर लेते हैं बाप दादा कहते हैं मैं तुम बच्चों का सहारा हूँ लेकिन बच्चे नटखट होते है ना माया नटखट बना देती है है नहीं माया बना देती है तो सहारा से किनारा करा लेती है फिर भी बाप दादा सहारा बन समीप ले आते हैं बाप दादा सभी बच्चों से पूछते हैं कि हर एक को जीवन में क्या चाहता है हुँ? पूछ रहे हैं बाबा फॉरेनर्स दो बातों को बहुत पसंद करते हैं डबल फॉरेनर्स के फेवरेट दो शब्द कौन से हैं दो शब्द कौन से हैं डबल फॉरेनर्स के एक है कंपेनियन और कंपनी तो बाबा ने कहा कि यह है दोनों पसंद हैं अगर पसंद हैं तो एक हाथ उठाओ भारत वालों को पसंद है कंपेनियन और कंपनी कंपेनियन भी ज़रूरी है और कंपनी भी ज़रूरी है कंपनी बिना भी नहीं रह सकते कोई तो कंपनी चाहिए ना अकेले कहाँ रह पाते हैं और कंपेनियन बिना भी नहीं रह सकते तो आप सबको क्या मिला है आप सबको क्या मिला है कंपेनियन मिला है बोलो हाँ जी या ना जी तो सबने क्या कहा हाँ जी कंपनी मिली है हुँ? क्या बोलेंगे हाँ जी ऐसी कंपनी और ऐसा कंपेनियन ऐसी कंपनी और ऐसा कंपेनियन सारे कल्प में मिला था भगवान की कंपनी भगवान हमारा कंपेनियन सारे कल्प में मिला था कल्प पहले मिला था ऐसा कंपेनियन जो कभी भी किनारा नहीं करता बाकी तो कर लेते हैं ना है ना सुख में बहुत साथी बन जाते हैं दुख में सब भाग जाते हैं अब कहते हैं कितना भी नटखट हो जाओ लेकिन वह फिर भी सहारा ही बनता है और जो आपके दिल की प्राप्तियां हैं वह सर्व प्राप्तियां पूर्ण करता है कोई अप्राप्ति है पूछ रहे हैं बाबा कोई अप्राप्ति है सबकी दिल कहती है या मर्यादा पूर्वक हाँ कहते हो हु? गाते तो हो क्या गाते हैं इस पर गाते तो हो जो पाना था वह पा लिया या पाना है पा लिया ना बिल्कुल बाबा चाहते हैं दिल से कहो ऐसे नहीं कि बस देखा देखे बोल दिया कि हाँ सब कुछ पा लिया और फिर इच्छाएं रह जाए अभी पाने का कुछ नहीं है या थोड़ी थोड़ी आशाएं रह गई हैं सब आशाएं पूरी हो गई हैं या रह गई हैं बाप दादा कहता है रह गई हम तो सबने क्या कहा बाप को प्रत्यक्ष करने की आशा रह गई है तो बाबा ने कहा यह तो बाप की आशा है कि सभी बच्चों को मालूम पड़ जाए बाप आया और कोई रह जाए है ना? तो यह बाप दादा की विशेष आशा है कि सभी को कम से कम मालूम तो पड़ जाए कि हमारा सदा का बाप आया है तो मैंने कहा ये आशा प्रत्यक्षता की ये तो बाबा की है ये आपकी तो है परंतु तो पहले बाबा की है लेकिन बच्चों की हद की जो बात पूछ रहे हैं बाबा बच्चों की हद की और आशाएँ पूरी हो गई हैं प्रेम की आशाएँ हैं हर एक चाहता है स्टेज पर आए यह आशा है हुँ? तो बच्चों ने क्या कहा अब तो बाबा स्वयं सबके पास आते हैं तो बाबा ने कहा यह भी आशा पूरी हो गई बाबा आते हैं तो सबका मन होता है ना स्टेज पर आए तो फिर बाबा कहते ये भी आशा पूरी हो गई संतुष्ट आत्माएं हैं मुबारक हो क्योंकि सभी बच्चे समझदार हैं समझते हैं कि जैसा समय वैसा स्वरूप बनाना ही है जब इतने बच्चे हो जाते हैं तो सब लोग तो स्टेज पर नहीं आ पाते ना तो बाबा चाहते हैं बच्चे समझदार बने इसमें तो बाबा कहते जैसा समय वैसा स्वरूप बनाना ही है इसलिए बाप दादा भी ड्रामा के बंधन में तो है ना सभी बच्चे हर समय अनुसार संतुष्ट हैं और सदा संतुष्ट मणिबन चमकते रहते हैं जो अंदर से तृप्त है अंदर से प्राप्ति स्वरूप है वो संतुष्ट है तो बाबा ने कहा क्यों आप स्वयं ही कहते हो पाना था वो पालिया यह ब्रह्मा बाप के आदि अनुभव के बोल हैं तो जो ब्रह्मा बाप के बोल वही सर्व ब्राह्मणों के बोल पाना था वो पालिया काम बाकी क्या रहा ये ब्रह्मा बाबा के आदि के बोल हैं और अब हमारे भी बोल हैं हमें क्या चाहिए था बाबा और वो हमें मिल गया इसके अलावा कुछ नहीं चाहिए तो बाप दादा सभी बच्चों को यही रिवाइज करा रहे हैं कि सदा बाप की कंपनी में रहो बाप ने सर्व संबंधों का अनुभव कराया है कहते भी हो कि बाप ही सर्व संबंधी है हुँ? जब सर्व संबंधी है तो जैसा समय वैसे संबंध को कार्य में क्यों नहीं लगाते पूछ रहे हैं बाबा जैसा समय वैसे संबंध को कार्य में क्यों नहीं लगाते और यही सर्व संबंध का समय प्रति समय अनुभव करते रहो तो कंपेनियन भी होगा कंपनी भी होगी कभी माता बन के कभी पिता बन के कभी भाई कभी बंधु कभी सखा अलग अलग स्वरूपों में बाबा को अपने साथ रखो और हर संबंध का सुख लो तो कंपनी भी होगी और कंपेनियन भी होगा और कोई साथियों के तरफ मन और बुद्धि जा नहीं सकती बाप दादा ऑफर कर रहे हैं जब सर्व संबंध ऑफर कर रहे हैं तो सर्व संबंधों का सुख लो देखो कैसा बाबा सर्व संबंधी है बस देना चाहता है देने के लिए आया है हमसे कुछ नहीं लेगा दुनियावी तो संबंध तो बिजनेस हो गए हैं आजकल जितना देते हैं उतना देते हैं और चाहते हैं हमें प्रॉफिट ज़्यादा हो है ना लेन ही तो रह गया है कम दे दिया तो बस रोज जाएंगे परेशान हो जाएंगे है ना कुछ ना कुछ लड़ाई झगड़ा हो जाएगा पर बाबा बस देना चाहते हैं संबंधों को कार्य में लगाओ बाप दादा जब देखते हैं कोई कोई बच्चे कोई कोई समय अपने को अकेला व थोड़ा सा नीरस अनुभव करते हैं तो बाप दादा को रहमाता आता है कि ऐसी श्रेष्ठ कंपनी होते कंपनी को कार्य में क्यों नहीं लगाते भगवान की कंपनी है आपके पास कार्य में क्यों नहीं लगाते फिर क्या कहते हुँ? क्या कहते वाय वाये क्यों क्यों बाप दादा ने कहा वाये नहीं कहो जब यह शब्द आता है हुँ? y नेगेटिव है और पॉजिटिव है बाबा इसके बिल्कुल अपोजिट क्या बोलते हैं वाई नहीं कहो इसके अपोजिट क्या है पॉजिटिव है फ्लाई यानी उड़ना तो y y कभी नहीं करना फ्लाई याद रखो बाप को साथी बनाए फ्लाई करो तो बड़ा मजा आएगा मैं आत्मा शिव बाबा आत्मा आत्मा और परमात्मा दोनों मिलकर उड़ रहे हैं फ्लाई कर रहे हैं तो बड़ा मजा आएगा वह कंपनी और कंपेनियन दोनों रूप से सारा दिन कार्य मिलाओ ऐसा कंपेनियन फिर मिलेगा बाप दादा इतने तक कहते हैं अगर आप दिमाग से व शरीर से दोनों प्रकार से दिमाग से व शरीर से दोनों प्रकार से थक भी जाओ तो कंपेनियन आपकी दोनों प्रकार से मालिश करने के लिए भी तैयार है इतना अच्छा कंपेनियन मिलेगा तन और मन दोनों की थकावट को दूर करने के लिए बाबा हमारी मालिश करने के लिए भी तैयार है मनोरंजन कराने लिए भी एवर रेडी है फिर हद के मनोरंजन की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी है ना बाबा बेहद का ऐसा मनोरंजन कर देगा मन को इतना रमणीकता से भर देगा कि फिर वो दुनियावी मनोरंजन की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी ऐसा यूज़ करना आता है वो समझते हो बड़े से बड़ा बाबा है टीचर है सतगुरु है लेकिन सर्व संबंध है समझा डबल विदेशियों ने अच्छा सभी बर्थडे मनाने आए हो ना मनाना है ना? अच्छा जब बर्थडे मनाते हो तो जिसका बर्थडे मनाते हो उसको गिफ्ट देते हो या नहीं देते हो देते हैं ना तो सभी ने कहा देते हैं तो आज आप सब बाप का बर्थडे मनाने आए हो हम्म नाम तो शिवरात्रि है तो बाप का खास मनाने आए हो मनाने आए हो ना, तो बर्थडे की आज की गिफ्ट क्या है पूछ रहे हैं बाबा बिल्कुल इमर्ज करो वही सीन और बाबा पूछ रहे हैं आपसे बर्थडे की गिफ्ट क्या है या सिर्फ मोमबत्ती जलाएंगे केक काटेंगे यही मनाएंगे हम्म आज क्या गिफ्ट दी हम्म या कल देंगे पूछ रहे हैं बाबा चाहे छोटी दो चाहे मोटी दो लेकिन गिफ्ट तो देते हैं ना तो क्या दी हुँ? सोच रहे हैं अच्छा देनी है पूछ रहे हैं बाबा इरादा है देने का देने के लिए तैयार हो तो जो बाप दादा कहेगा वह देंगे या आप अपनी इच्छा से देंगे हुँ? जिसको जिस चीज की जरूरत हो वही देनी चाहिए ना गिफ्ट तो पूछ रहे हैं बाबा जो बाबा कहेगा वो दोगे या अपनी मर्जी से दोगे क्या करेंगे जो बाप दादा कहेंगे वह देंगे या अपनी इच्छा से देंगे हुँ? बच्चों ने क्या कहा जो बाप दादा कहेंगे वह देंगे तो बाबा पूछते हैं देखना थोड़ी हिम्मत रखनी पड़ेगी हिम्मत है मधुबन वाले हिम्मत है डबल फॉरेनर्स में हिम्मत है हाथ तो बहुत अच्छा उठा रहे हैं अच्छा शक्तियों में पांडवों में हिम्मत है भारत वालों में हिम्मत है सबसे पूछ रहे हैं बाबा बहुत अच्छा यही बाप को मुबारक मिल गई हिम्मत रखी ना तो वह कहते यही मुबारक है अच्छा सुनाए अब देना क्या है गिफ्ट कौन सी देनी है यह तो नहीं कहेंगे कि यह तो सोचना पड़ेगा पूछ रहे हैं बाबा पक्का करा रहे हैं ऐसा मत कह देना कि सोचना पड़ेगा गा गा नहीं करना हुँ? एक बात बाप दादा ने मेजॉरिटी में देखी है ना माइनॉरिटी नहीं मेजॉरिटी क्या देखा जब कोई सरकम सामने आता है तो मेजॉरिटी में एक दो तीन नंबर में क्रोध का अंश न चाहते भी एमर्ज हो जाता है हुँ? हो जाता है कोई भी बात आती है तो कोई में महान क्रोध के रूप में होता कोई में जोश के रूप में होता कोई में तीसरा नंबर एक दो तीन है ना एक है महान क्रोध एक नंबर दूसरा नंबर जोश और तीसरा नंबर तीसरा नंबर चिड़चिड़ेपन रूप में होता है चिड़चिड़ापन समझते हो Hmm? वह भी है क्रोध का ही अंश हल्का है है ना चिड़चिड़ापन हो जाता है ना बिल्कुल ऐसे अलग अलग से होने लग जाते हैं मूड नहीं है थोड़ा सा टोंट में बोलने लग जाते हैं तो वह कहते हैं तीसरा नंबर है ना तो वह हल्का है पहला जोर से है दूसरा उससे थोड़ा फिर भाषा तो आजकल सबकी रॉयल हो गई है तो रॉयल रूप में क्या कहते हैं बात ही ऐसी है ना जोश तो आएगा ही बोलते हैं ऐसे तो आज बाप दादा सभी से हम्म यह गिफ्ट लेने चाहते हैं कि क्रोध तो छोड़ो लेकिन क्रोध का अंश मात्र भी ना रहे क्रोध तो छोड़ो क्रोध का अंश मात्र भी नहीं रहे क्यों क्रोध में आकर डिससर्विस करते हैं क्योंकि क्रोध होता है दो के बीच में अकेले अकेले थोड़ी ना क्रोध होता है अकेला नहीं होता है दो के बीच में होता है तो दिखाई देता है चाहे मनसा में भी किसके प्रति घृणा भाव का अंश भी होता है तो मन में भी उस आत्मा के प्रति जोश जरूर आता है तो बाप दादा को यह डिस का कारण अच्छा नहीं लगता है तो क्रोध का भाव अंश मात्र भी उत्पन्न ना हो जैसे ब्रह्मचर्य के ऊपर अटेंशन देते हो ऐसे ही काम महाशत्रु क्रोध महाशत्रु गाया हुआ है काम क्रोध दोनों महाशत्रु गाए हुए हैं शुभ भाव प्रेम भाव वह इमर्ज नहीं होता है फिर मूड ऑफ कर देंगे अपना तो खोगा ही होगा दूसरे का भी कर देंगे उस आत्मा से किनारा कर देंगे सामने नहीं आएंगे बात नहीं करेंगे उसकी बातों को ठुकराएंगे बाबा बता रहे हैं क्या क्या करते हैं हम सब आगे बढ़ने नहीं देंगे यह सब मालूम बाहर वालों को भी पड़ता है कई बार सोचते ना दूसरों को क्या पता चलता है सब लोग देख रहे होते हैं फिर भले कह देते हैं आज इसकी तबीयत ठीक नहीं है बाकी कुछ नहीं है ऐसे बोल देते हैं है ना पर समझते हैं ना सारे कारण क्या है तो क्या जन्म दिवस की यह गिफ्ट दे सकते हो ये सारी बातें छोड़नी पड़ेंगी जो समझते हैं कोशिश करेंगे वह हाथ उठाओ सौगात देने के लिए सोचेंगे कोशिश करेंगे वह हाथ उठाओ हम्म कोशिश करेंगे सच्चे दिल पर भी साहेब राजी होता है तो कई भाई बहने फिर खड़े हुए धीरे धीरे उठ रहे हैं हिम्मत रखते हैं ना सच बोलने की मुबारक हो अच्छा जिन्होंने कहा कोशिश करेंगे हुँ? ठीक है कोशिश भले करो लेकिन कोशिश के लिए कितना समय चाहिए पूछ रहे हैं बाबा एक मास चाहिए छ मास चाहिए कितना चाहिए छोड़ेंगे या छोड़ने का लक्ष्य ही नहीं है प्यार हो जाता है ना जो चीज़ बहुत समय से रही हुई है उससे प्यार हो जाता है बाबा पूछते हैं लक्ष्य है छोड़ने का जिन्होंने कहा कोशिश करेंगे वह फिर से उठो हमें पक्का कराने के लिए उठाते हैं बाबा जो समझते हैं कि हम दो तीन मास में कोशिश करके छोड़ेंगे वह बैठ जाओ और जो समझते हैं छ मास चाहिए अगर छ मास पूरा लगे अगर छह मास पूरा लगे भी तो कम करना इस बात को छोड़ना नहीं क्योंकि यह बहुत जरूरी है यह डिस दिखाई देती है मुख से नहीं बोलो शक्ल बोलती है बोलो ना बोलो पर चेहरा बता देता है क्या चल रहा है अंदर इसलिए जिन्होंने हिम्मत रखी है उन सब पर बाप दादा ज्ञान प्रेम सुख शांति के मोतियों की वर्षा कर रहे हैं अगर हम थोड़ी भी हिम्मत रखते हैं ना बाबा हमें बहुत मदद करते हैं है ना ताकि हमारे अंदर की बुराइयाँ निकल जाए ना हम भी बाबा जैसे स्वच्छ बन जाएं विकारों से पूर्ण मुक्त हो जाएं अच्छा बाप दादा रिटर्न सौगात में अब गिफ्ट देते हैं तो रिटर्न गिफ्ट भी तो मिलती है ना आजकल तो ज़माने में ऐसे ही होता है तो बाप दादा रिटर्न सौगात में यह विशेष सभी को वरदान दे रहे हैं जब भी गलती से भी न चाहते हुए भी कभी क्रोध आ भी जाए अब दे दिया क्रोध गिफ्ट के रूप में परंतु गलती से क्रोध वापस आ भी जाए तो सिर्फ क्या करना तरीका बता रहे बाबा तो सिर्फ दिल से मीठा बाबा क्या कहेंगे मीठा बाबा शब्द कहना तो बाप की एक्स्ट्रा क्या मिलेगी मदद एक्स्ट्रा मदद हिम्मत वालों को अवश्य मिलती रहेगी तो हिम्मत बच्चे मददे बाबा मीठा बाबा कहना सिर्फ बाबा नहीं कहना मीठा बाबा क्या कहेंगे सभी मीठा बाबा तो मदद मिलेगी जरूर मिलेगी क्योंकि लक्ष्य रखा है ना तो लक्ष्य से लक्षण आने ही है मधुबन वाले हाथ उठाओ अच्छा करना ही है ना तो सभी ने कहा हाँ जी मुबारक हो बहुत अच्छा आज खास मधुबन वालों को टोली देंगे मेहनत बहुत करते हैं क्रोध के लिए नहीं देते हैं मेहनत के लिए देते हैं सभी समझेंगे हाथ उठाया है इसलिए टोली देते हैं मेहनत बहुत अच्छी करते हैं सबको सेवा से संतुष्ट करना यह तो मधुबन का एग्जाम्पल है इसलिए आज मुख मीठा कराएंगे आप सब इन्हों का मुख मीठा देख मीठा मुख कर लेना खुशी होगी ना यह भी एक ब्राह्मण परिवार का कल्चर है आजकल आप लोग कल्चर ऑफ पीस का प्रोग्राम बना रहे हो ना तो यह भी फर्स्ट नंबर का कल्चर है ब्राह्मण कुल की सभ्यता बाप दादा ने देखा है यह दादी जब सौगात देती है ना उसमें एक बोरी का थैला होता है उसमें लिखत होती है बैग्स मिलते हैं ना कम बोलो धीरे बोलो मीठा बोलो हम्म तो आज बाप दादा यह सौगात दे रहे हैं है ना तो बाबा कह रहे हैं ये सौगात सब लेकर जाना कम बोलो धीरे बोलो और मीठा बोलो बोरी वाला थैला नहीं देते वरदान में यह शब्द देते हैं जूट के होते हैं ना बैग्स तो उसको बाबा बोरी वाले थैला कह रहे हैं तो जूट वाले थैले पर लिखा होता है ना कम बोलो धीरे बोलो मीठा बोलो कहते हैं मैं थैली नहीं दे रहे पर ये सौगात दे रहे हैं हरेक ब्राह्मण के चेहरे और चलन में ब्राह्मण कल्चर प्रत्यक्ष हो यह ब्राह्मण कल्चर कम बोलते हैं धीरे बोलते हैं मीठा बोलते हैं प्रोग्राम तो बनाएंगे भाषण भी करेंगे लेकिन पहले स्व में यह सभ्यता आवश्यक है हर एक ब्राह्मण मुस्कुराता हुआ हरेक से संपर्क में आए न? कैसे संपर्क में आना है मुस्कुराते हुए कोई भी कैसा कोई से कैसा कोई से कैसा नहीं ऐसे नहीं करना है हर हरेक से मुस्कुराते हुए बात करना किसी कि से अच्छा बात करो किसी कि से नहीं करो वैसा नहीं करना तो कोई से कैसा कोई से कैसा नहीं किसको देखकर अपना कल्चर नहीं छोड़ो बीती बातें भूल जाओ नए संस्कार सभ्यता के जीवन में दिखाओ अभी दिखाना है ठीक है ना? तो सभी ने कहा हाँ जी तो दिखाएंगे ना सबको ये कल्चर मुस्कुराता हुआ चेहरा कम बोलना धीरे बोलना मीठा बोलना यह बहुत अच्छा है डबल फॉरेनर्स मेजॉरिटी हांजी करने में बहुत अच्छे हैं अच्छा है भारतवासियों की तो एक मर्यादा ही है क्या है हांजी करना सिर्फ माया को नाजी करो माया को हांजी नहीं करना सिर्फ माया को नाजी करो बस और आत्माओं को हांजी हांजी करो माया को नाजी नाजी करो पक्का ना अच्छा सभी ने जन्मदिवस मना लिया गिफ्ट भी दे दी मुख मीठा भी हो गया ना मनाया गिफ्ट दे दी हुँ? गिफ्ट ले ली पापा ने गिफ्ट भी दे दी हमें हु? अच्छा आपके साथ साथ और भी जगह जगह पर सभाएं लगी हुई हैं शिवरात्रि पर कितने सारे प्रोग्राम्स करते हैं ना कहाँ छोटी सभाएँ हैं कहाँ बड़ी सभाएँ हैं सभी सुन रहे हैं देख रहे हैं उन्होंने को भी बाप दादा यही कहते कि आज के दिन की आप सबने भी सौगात दी हुँ? या नहीं जो बैठे हैं बाबा के सामने केवल बाबा उनसे नहीं कहते परंतु हर एक जो अपने अपने स्थानों पर शिव जयंती मनाते हैं बाबा उन्हें भी कहते हैं कि सभी ने सौगात दी या नहीं दी सब कह रहे हैं हाँ जी बाबा सब कह रहे हैं बाबा को सुनाई देता है अच्छे हैं दूर बैठे भी जैसे सामने ही सुन रहे हैं क्योंकि साइंस वाले जो इतनी मेहनत करते हैं मेहनत तो बहुत करते हैं ना तो सबसे ज्यादा फायदा ब्राह्मणों को होना चाहिए ना इसलिए जब से संगम युग आरंभ हुआ है तब से यह साइंस के साधन भी बढ़ते जा रहे हैं सतयुग में तो आपके देवता रूप में यह साइंस सेवा करेगी लेकिन संगम युग में भी साइंस के साधन आप ब्राह्मणों को मिल रहे हैं और सेवा में भी प्रत्यक्षता करने में भी यह साइंस के साधन बहुत विशाल रूप से सहयोगी बनेंगे इसलिए साइंस के निमित्त बनने वाले बच्चों को भी बाप दादा मेहनत की मुबारक देते हैं उनके कारण भले मुरली एक जगह चलती परंतु सब अपनी अपनी जगह पर सुन पाते बाकी बाप दादा ने देखा मधुबन में भी देश विदेश से बहुत शोभनिक शोभनिक कार्ड पत्र और कोई द्वारा याद प्यार मैसेज भेजे हैं। बाप दादा उन्हों को भी विशेष याद प्यार और जन्म दिवस की पदम 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 गुणा हु? मुबारक दे रहे हैं सब बच्चे बाप दादा के नैनों के सामने आ रहे हैं आप लोगों ने तो सिर्फ कार्ड देखे हुँ? लेकिन बाप दादा बच्चों को भी नैनो से देख रहे हैं बाबा को उस थूल कार्ड से ज्यादा उनके पीछे छिपे हुए जो बात बच्चों के सूक्ष्म संकल्प हैं वो सूक्ष्म रूप नजर आता है तो बाबा कहते बहुत स्नेह से भेजते हैं और उसी स्नेह से बाप दादा ने स्वीकार किया है कईयों ने अपनी अवस्थाएं भी लिखी हैं तो बाप दादा कहते हैं उड़ो और उड़ाओ उड़ने से सब बातें नीचे रह जाएंगी और आप सदा ऊंचे ते ऊंचे बाप के साथ ऊंचे रहेंगे सेकेंड में स्टॉप और स्टॉक शक्तियों का गुणों का इमर्ज करो हुँ? एक तरह से ड्रिल बाबा ने कराई कि एक सेकेंड में स्टॉप और स्टॉक शक्तियों का गुणों का इमर्ज करो बिल्कुल एक सेकेंड के अंदर बिल्कुल स्टॉप करेंगे व्यर्थ संकल्पों को और बाप दादा से शक्तियाँ गुण अपने भीतर धारण करेंगे अच्छा चारों ओर के सर्वश्रेष्ठ ब्राह्मण आत्माएं सदा बाप के कंपनी में रहने वाले बाप को कंपेनियन बनाने वाले स्नेही आत्माएं सदा बाप के गुणों के सागर में समाने वाले समान बाप दादा की श्रेष्ठ आत्माएं, सदा सेकंड में बिंदी लगाने वाले मास्टर सिंधु स्वरूप आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और बहुत बहुत मुबारक हो मुबारक हो मुबारक हो नमस्ते तो बाप दादा हर समय हर बच्चे को करते हैं आज भी नमस्ते हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को गुड मॉर्निंग नमस्ते 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 तो आज का वरदान है पवित्रता की शक्तिशाली दृष्टि वृत्ति द्वारा सर्व प्राप्तियां कराने वाले दुख हर्ता सुखकर्ता भव कैसे बनेंगे दुख हर्ता सुखकर्ता जब पवित्रता की शक्तिशाली दृष्टि वृत्ति द्वारा सर्व प्राप्तियां आकर आएंगे दूसरी आत्माओं को अपने अंदर की पवित्रता से प्राप्तियां कराएंगे साइंस की दवाई में अल्पकाल की शक्ति है जो दुख दर्द को समाप्त कर लेती है होता है ना कोई भी मेडिसिन खाओ चाहे होम्योपैथी चाहे एलोपैथी तो दुख दर्द दूर हो जाता है ना लेकिन पवित्रता की शक्ति अर्थात साइलेंस की शक्ति में अंतर क्या है साइंस और साइलेंस में पवित्रता की शक्ति अर्थात साइलेंस की शक्ति में तो दुआ की शक्ति है एक है दवा एक है दुआ यह है पवित्रता की शक्तिशाली दृष्टि वृत्ति सदाकाल की प्राप्ति कराने वाली है इसलिए आपके जड़ चित्रों के सामने ओ दयालु, दया करो कहकर दया वह दुआ मांगते हैं तो जब चैतन्य में ऐसे मास्टर दुख हरता सुख करता बन दया की है प्रैक्टिकली की है तब तो भक्ति में पूजे जाते हो ना कुछ तो किया है जिसके कारण भक्ति में यादगार है और लोग मांगते हैं स्लोगन है समय की समीपता प्रमाण सच्ची तपस्या व साधना है ही बेहद का वैराग्य समय की समीपता प्रमाण सच्ची तपस्या व साधना है ही बेहद का वैराग्य तो आज मास का तीसरा रविवार अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है तो सभी ब्रह्मावत्स संगठित रूप में शाम को साढ़े छः से साढ़े सात बजे तक विशेष अपने मास्टर दाता स्वरूप में स्थित हो सर्वात्माओं को मनसा द्वारा सर्व शक्तियों का दान दे वरदान भर दे भरपूरता का अनुभव कराएं तो ये आज का विशेष होमवर्क भी है और नुमा शाम के लिए भी संकल्प है अच्छा ओम शांति सुगंध से जीवन में सुख 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 की धूप है कल्प कल्प के भाग्य भवन की ये आधार हमारी पवित्रता के बल से होगी पावन दुनिया ये सारी सबका भला